नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राची आपका चलते चलते चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हाथ पैरों के जलन की। कई बार देखा गया है कि हमारे हाथ के हथेलियों पर और हमारे पैर के तलवों पर अक्सर जलन हो जाती है। इससे क्या होता है, अक्सर कई बार हमारे हाथों में या फिर पैरों के जो खून का प्रवाह है वो कई बार धीरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हाथों या पैरों में जलन हो सकती है। कई बार बढ़ती उम्र के साथ साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी को डायबिटीज़ है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर किसी कोई बहुत देर तक खड़े होकर काम करता है, जैसे कि किसी को पूरा दिन खड़े होकर काम करने का है, तो उसको भी अक्सर देखा गया है कि उसके हाथों में या फिर पैरों के तलवों में जलन अक्सर हो जाया करती है। इस प्रॉब्लम को इंग्लिश में या एलोपैथी में पैरेस्थीसिया के नाम से जानते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है, जलन की जो प्रॉब्लम होती है, वो अधिकतर गर्मियों में होती है। तो चलिए जानते हैं आज इस प्रॉब्लम से निजात पाने के कुछ घरेलू उपचार। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप लोग करेले का भी प्रयोग कर सकते हैं। करेले के पत्तों को अगर आप पीस कर अपने पैरों के तलवों पर लगाएंगे तो जलन दूर हो जाएगा। दूसरा, लौकी। आप लौकी के अंदर का जो गूदा होता है उसको भी अपने पैरों के तलवों पर या हाथों के हथेलियों पर लगा सकते हैं, उससे भी आपके जो जलन होती है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा हम अदरक का प्रयोग भी कर सकते हैं। अदरक के रस में आप जैतून का तेल या फिर नारियल का तेल भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा अदरक का रस लीजिए, उसमें थोड़ी सी कुछ बूंदें जैतून के तेल की या नारियल के तेल की आप मिला लीजिए। उसकी अपने पैरों पर या हाथों की हथेलियों पर 10 मिनट तक मालिश कीजिए, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी जलन होती है वो दूर हो जाएगी और आपको शीतलता भी प्रदान होगी। साथ ही साथ आप अपने खून का प्रवाह बढ़ाने के लिए अदरक का जो टुकड़ा होता है उसे मुँह में रखकर चबा भी सकते हैं। सरसों का तेल भी अपने हाथ के हथेलियों के और पैरों के तलवों की जलन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो अगर आपको कभी भी जलन महसूस हो तो आप लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका 5 मिनट तक आप मालिश कीजिए और फिर धो लीजिए, इससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। साथ ही साथ अगर आप मालिश नहीं करना चाहते हैं, आपको टाइम नहीं है, तो आप नॉर्मली एक थोड़ा सा अपना आधा बाल्टी या फिर आधे से थोड़ा कम पानी लीजिए और उसमें आप सरसों का तेल मिला सकती हैं। कुछ बूंदें सरसों के तेल की मिलाइए और उसमें अपने पैरों को डालकर बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद आपको अपने आप आपके जलन में अपने आप राहत महसूस होगी। साथ ही साथ जलन के लिए मेहंदी बहुत लाभदायक है। मेहंदी जो होती है वो ठंडे नेचर की होती है। इसके लिए आप मेहंदी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकती हैं, उनको कूटकर या उनका पेस्ट बनाकर अपने हाथों। आम के फल आने से पहले जो उसके जो फूल आते हैं उसको भी आप आपके हाथों पैरों के जलन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया भी जलन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप धनिये का पेस्ट बनाकर भी अपने हाथों और पैरों पर अप्लाई कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि विटामिन की कमी होने की वजह से, विटामिन B1, B2 या B12 की कमी होने की वजह से हमारे पैरों में जलन हो जाती है, तो हमें ऐसे फ्रूट्स का, ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए अपने खाने में जिनमें विटामिन भरपूर मात्रा में हो। अगर आप अंडा वगैरह खाते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जिन लोगों के हाथों और पैरों में अक्सर जलन होती है, उन लोगों को रेगुलर अपना ये रूटीन बनाना चाहिए कि थोड़ा रोज 5-5 मिनट के लिए अपने हाथों में मालिश कर सकते हैं नारियल के तेल से या नॉर्मली ऐसे भी, और पैरों के तलवों में भी अपना दबा दबा कर थोड़ा सा मालिश कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका खून का प्रवाह तेज होगा और आपकी जो जलन की शिकायत है वो कम हो जाएगी और दूर हो जाएगी। दूसरा, आपको सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलना चाहिए, ये बहुत लाभकारी एक होता है। अगर किसी को अक्सर जलन हो जाया करती है तो उसको पक्का अपने रूटीन में ये बात रखनी ही रखनी चाहिए। तो सुबह सुबह जो गीली घास होती है, जो ओस पड़ी होती है घास पर, उस पर चले और वॉक करें।
साथ ही साथ हाथों की जलन के लिए वो नॉर्मली अपने हाथों को इस तरह से तालियां भी बजा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हाथों का ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है और जलन की शिकायत नहीं होती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतनी अच्छी अच्छी बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।